हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है वो है अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और ये होंगे वन लाइनर। तो आज हम लोग क्विज वाले नहीं देखेंगे, यानी कि जो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं वो नहीं होंगे, ये आज आपके वन लाइनर होंगे। और इसके साथ साथ जो है आपको बहुत सारी जो वीडियोस लगातार मिल रही हैं, साथ में जिनके पार्ट्स आने बाकी, जैसे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो, तो बहुत ही जल्द जो है मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो आपको मिलने वाली है। एक्चुअली है क्या कि लगातार हर वीडियो के पार्ट्स चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाता है, बट आप चिंता मत करिए, मॉडर्न हिस्ट्री आपको कम्प्लीट कराई जाएगी, ठीक है। और भी बाकी जितनी चीज़ें हम लोग चला रहे हैं, लाइक लेखपाल चला रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को मिलती रहेंगी। बस जितनी भी वीडियोज़ आया करें उन सब में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ यूज़फुल होता है, उसको ज़रूर देख लिया करिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बेल आइकन को प्रेस करना है और फॉलो करना है मुझे, ठीक है, यानी कि आपको सब्सक्राइब करना है, यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस करना है और इसके साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं आपको बता दूँ वो ये है कि अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस को इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए, और उसमें आपको बहुत सारे एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। तो जिस भी कैटेगरी के लिए आप पढ़ना चाहते हो, लाइक एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, आईआईटी, जेई, किसी भी कैटेगरी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे इस रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हैं जो कि अभी स्क्रीन पर आ रहा है, शिक्षा 10। इस रेफरल कोड को आपको एज इट इज़ यूज़ करना है बिना स्पेस दिए, ठीक है। तो इस रेफरल कोड का जब आप यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा, जितना भी आपको हो सकता है मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके साथ ही आपको बहुत सारे जो एजुकेटर्स हैं उनसे पढ़ने का मौका मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी एक ही एजुकेटर से पढ़ पाएंगे, आपको लॉट्स ऑफ एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे जिनसे पढ़ने का मौका मिलता है। लाइव इंट्रैक्शन होता है, मॉक टेस्टर्स होते रहते हैं, मॉक टेस्ट होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी चलती रहती हैं अनअकैडमी पे। तो अगर आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से एक तरीके से पढ़ना चाहते हैं सही तरीके से, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही चाहिए, और आप इस रेफरल कोड के थ्रू सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो, जिसमें कि हम लोग इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आज के देखेंगे वन लाइनर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए पहला करंट अफेयर में क्या लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को जितने हज़ार तक का कर्ज मुहैया कराएगी वो कितना है, 20,000। मैं आपको सबका मतलब जो है साथ साथ में बताती चलूँगी। तो 20,000 का कर्ज, यानी कि ये है क्या रेहड़ी पटरी वाले, यानी कि वो लोग जो आपने देखा होगा ठेला वगैरह लगाते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती घूमती वगैरह लगाते हैं, या फिर ठेले लगाते हैं आसपास में कहीं, ठीक है। तो मार्केट में आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, तो ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इन लोगों को ज़रूरत होती है, कभी कभार लोन की ज़रूरत पड़ती है, कर्जे की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से दिल्ली सरकार ने क्या किया है, दिल्ली सरकार ने 20,000 रुपये तक का उनको कर्ज देने का फैसला किया है, ठीक है। 20,000 तक का कर्ज जो है वो दिल्ली सरकार देगी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में 5 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग रहते हैं जो कि अपना जीवन यापन इसी तरीके करते हैं, 5 लाख से अधिक। और अभी तक जितने लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है वो लगभग 1.5 लाख लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो कराया है, 1.5 से 2 लाख हो गया होगा। तो ये जो स्कीम है इसके तहत 20,000 रुपये का कर्ज जो है वो दिया जाएगा, ताकि उनको किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत जो हो तो वो ले सकते हैं, सरकार से हेल्प ले सकते हैं। तो उससे होता क्या है, कई बार लोग जो है आसपास में कहीं ले लेते हैं कर्जा, फिर वो लोग उनको परेशान करते हैं और ज़बरदस्ती जो है कर्ज वसूलने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचाने के लिए जो है केजरीवाल सरकार द्वारा ये नया जो स्कीम है ये स्टार्ट की गई है। चलिए आते हैं भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेता की सूची में जो इकलौते भारतीय शामिल हैं वो कौन है, ठीक है। तो इकलौते भारतीय जो शामिल हुए हैं टॉप 10 में वो है अक्षय कुमार, इनकी जो रैंक दी है फोर्ब्स ने वो है 6, ठीक है, 6वीं रैंक पे आते हैं, 6वीं रैंक दी है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग अभिनेता जो हैं हॉलीवुड के वो रखे गए हैं यहाँ पे सूची में। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि पहले नंबर पर जो फोर्ब्स की सूची में रखे गए हैं वो अभिनेता कौन से हैं,
ठीक है, पहले नंबर पे जो रखे गए हैं। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ कि वो जो है द रॉक के नाम से जाना जाता है, WWE फाइटर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो अब ये आपके लिए एक हिंट थी, तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि उनका नाम क्या है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है। ठीक है, युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। जितने भी डे, नेशनल डे, इंटरनेशनल डे आते जाए उनको लर्न करते जाया करिए, बिकॉज इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। आपके वन डे पैटर्न का फेवरेट जो है एक ये भी होता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे नेशनल डेज एंड इंटरनेशनल डेज होते हैं, लॉट्स ऑफ नेशनल डेज एंड इंटरनेशनल डेज, तो इससे होता क्या है कि पेपर थोड़ा सा टफ भी बन जाता है। तो इस तरह की चीज़ें भी जो हैं मंथ वाइज आप अपना उसको याद करते रहा करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है जिस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को COVID-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया, वो कौन थे? तो भाई आप लोगों ने न्यूज़ में, सोशल मीडिया में बहुत देखा होगा और इनके शेर भी सुने होंगे, राहत इंदौरी। ठीक है, कई शेर इनके वायरल भी हुए और जो है बहुत ही ज़्यादा उम्दा जो है इनके शेर, ये शेरो शायरी किया करते थे। तो इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई, इनको COVID-19 पॉजिटिव पाया गया था, कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके अलावा हार्ट अटैक आया 2 बार जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो चलिए, तो डेथ वैसे अगर आप कहें तो पूरी तरीके COVID-19 की वजह से नहीं हुई है, हार्ट अटैक आ गया उस वजह से डेथ हुई, लेकिन कहीं ना कहीं रीज़न जो है वो वही रहा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं, काफ़ी सुर्खियों में रहा है इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, विश्व अंगदान दिवस, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे जिस दिन मनाया जाता है, कौन से दिन मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। ठीक है, लोग क्या करते हैं? अंगदान, जैसे रक्तदान होता है, ब्लड डोनेशन होता है, वैसे ही अंगदान होता है। उसी में कुछ लोग अपने नेत्र दान कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ, मतलब अलग अलग ऑर्गन लोग दान करते हैं। इससे होता क्या है कि आफ्टर डेथ जो है आपके जो भी आपने अंग दान करने का निश्चय किया है वो आपका अंग जो है सुरक्षित रूप से निकाल लिया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने जिस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है वो कौन है? कमला हैरिस। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय मूल की हैं और इन्हीं को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है, कमला हैरिस। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, पहली किसान रेल जिन 2 शहरों के बीच चलेगी, ठीक है, वो 2 शहर कौन से हैं? देवलाली से, देवलाली है, देवलाली से दानापुर। ये देवलाली जो है आपकी, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पड़ता है भाई? ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये जो दानापुर है ये आपका है बिहार में। ठीक है, कहाँ पे है? बिहार में है। तो यानी महाराष्ट्र से बिहार और फिर बिहार से महाराष्ट्र, ये इसका रूट है और ये पहली किसान रेल है। ठीक है, रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ। और ये जो ट्रेन है ये क्यों चलाई गई, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ और क्या क्या चीज़ें। देखिए, पहली बात तो इसका रीज़न चलाने का ये है कि किसानों की बहुत सारी ऐसी उपजें जो कि सड़ जाती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में आपको पता है नासिक जो है वो प्याज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और उस टाइम जब प्याज होता है नासिक में तो बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होता है। आपने देखा है कि प्याज जो है मोस्टली जो है हर सीज़न में ही लगभग बहुत महंगा हो जाता है, क्योंकि होता क्या है कि काफ़ी प्याज सड़ जाता है। लगभग रिपोर्ट आई थी कि 55% प्याज मंडियों तक ना पहुँच पाने की वजह से क्या हो जाता है? सड़ जाता है। तो जब जितनी खपत बहुत ज़्यादा है और लगभग आधे से ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुआ है वो ख़राब हो गया है, तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ेंगे। उसके बाद कुछ जो लोग होते हैं जो अपने पास एक्स्ट्रा जो है रख लेते हैं, ठीक है, वो लोग भी रेट बढ़ाने का काम करते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। लेकिन इस वजह से भी रेट बढ़ जाते हैं क्योंकि जो आपका प्रोडक्शन है वो तो मान लीजिए हो भी गया, लेकिन चीज़ें जो सड़ गई तो मतलब नीड उतनी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। ठीक है, डिमांड काफ़ी है और सप्लाई जो है कम हो रही है, तो ऑटोमेटिक रेट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो सिर्फ प्याज ही नहीं, हर तरह की सब्जियाँ जो है इसके ज़रिए भेजी जाएंगी। सब्जियाँ ही नहीं, समुद्री मछलियाँ और मीट,
ये भी चीज़ें जो हैं इस ट्रेन के द्वारा जो लेकर के जाई जाएंगी। तो कहाँ से कहाँ तक चलेगी? देवलाली से चलेगी दानापुर तक के लिए, ठीक है। तो सब्जियाँ हो गई और मीट हो गई, मीट हो गया, मछली हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं चलेंगी किसान रेल द्वारा पहुँचाई जाएंगी देवलाली से दानापुर तक, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इससे कहा गया कि लगभग जो है 45 करोड़ रुपए का जो नुकसान होता है उसको हम रोक पाएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जिस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, CAG लिखा हुआ है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैग बोलते हैं। तो कैग जिनको बनाया गया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के जिस उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक घोषित किया गया है वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू, क्योंकि ये कैग एक्ट से क्वेश्चन जो है आपके बहुत बनते हैं। आते हैं भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है कि जिस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है वो कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। क्या है ये इंदिरा वन मितान योजना? तो जैसा कि आपको दिख रहा है वन, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी लोग हैं, तो वो जितने इलाकों में रहते हैं जो कि वन से रिलेटेड इलाके हैं ना, तो जहाँ पे आदिवासी लोग रहते, भाई वनों में ही रहते मोस्टली, और या तो ऐसे इलाकों में रहते जहाँ ज़्यादातर जो है जंगल झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, तो होता क्या है कि इन लोगों से डायरेक्ट वनोपज लिया जाएगा। वनोपज माने वन से होने वाला सामान, लकड़ियाँ हो गई, औषधियाँ हो गई, फ्रूट्स हो गए, जो भी चीज़ें हैं जो कि हमें डायरेक्ट वन से मिल रही, यानी फॉरेस्ट से जो चीज़ें मिलती हैं भाई, बहुत स्पेशल चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा जो आदिवासी लोग हैं ये काफ़ी सारी चीज़ों का निर्माण भी करते हैं, जैसे कि कुछ हैंडीक्राफ्ट्स भी बनाते हैं बैम्बू से या किसी भी चीज़ से, तो वो सारी के सारी चीज़ें जो हैं उन लोगों से एक बहुत ही ठीक प्राइस पे ली जाएंगी और डायरेक्ट उनसे ली जाएंगी, कोई भी बिचौलिए का काम नहीं होगा। ताकि उससे होगा क्या कि उनकी जो लाइफ है, उनकी जो लिवलीहुड है वो सुधर सके, ठीक है। तो होता क्या है, बीच में जब बिचौलिए आ जाते हैं तो जैसे कि मान लीजिए आदिवासियों से बहुत कम प्राइस पे, गिरे हुए प्राइस पे सामान लेंगे और फिर उसे बहुत हाई प्राइस पे बेचते हैं, तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही गलत है। तो इसी को रोकने के लिए सरकार ने जो है ये वन मितान योजना चलाई है, ताकि डायरेक्ट आप हमको सामान दीजिए और हम जो है मार्केट तक पहुँचा दिए, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है कि विश्व आदिवासी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस, ठीक है, याद रखिएगा, विश्व आदिवासी दिवस जो है वो मनाया जाता है 9 अगस्त को। जिस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा, कौन सी स्टेट में किया जाएगा? कह रहे जिस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा वो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पहला रेशम प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र, कि कैसे रेशम बनता है, कैसे उसका प्रोडक्शन होता है, हर एक चीज़ सिखाएंगे। तो आपको ये पता है कि रेशम जो है वो कैसे बनता है, रेशम के कीड़े जो हैं वो पाले जाते हैं शहतूत के पेड़ों पे, जिसको मलबेरी भी बोलते हैं हम लोग, तो उस पेड़ों पे पाले जाते हैं, वो उसी की पत्तियों को खाते हैं, ठीक है। और फिर उनके बाद में जो उनका उनके बच्चे होते हैं वो एक शेल में होते हैं, वाइट कलर की शेल होती है, उसी शेल को बॉयल करके वो लोग जो है वो शेल अलग कर लेते हैं, कीड़े अलग, वो तो मर भी जाते हैं वैसे, ठीक है, क्योंकि भाई बॉईल किया जाएगा तो अंदर के कीड़े जो हैं वो तो मर ही जाएंगे, वैसे शेल जो है वो काफ़ी मोटी होती है। फिर उसी शेल से सिल्क जो है बनता है, ठीक है, उसी शेल से सिल्क बनाते हैं, सिल्क का थ्रेड बनाते हैं, और फिर सिल्क जो है, सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं, बहुत सारी सिल्क के सामान बनते हैं, आपको पता ही होगा। तो पहला जो प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा वो है अरुणाचल प्रदेश। तो क्योंकि सिल्क जो है इस तरीके से एनिमल प्रोडक्ट से ऐसे प्राप्त किया जाता है, डायरेक्ट जो है हम प्रकृति से पूरी तरीके अगर कहें कि बिना किसी को हर्ट किए प्राप्त करते, तो ऐसा नहीं है। इस वजह से पेटा जो है वो कहते हैं कि आप सिल्क का यूज़ ना करिए, जैसे पेटा नहीं कहते आप वेगन फ्री हो जाइए, वेगन हो जाइए, मतलब कि आप मिल्क वगैरह मत लीजिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, हनी मत लीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, हनी भी
जो है हनी बनाती है, इस तरह की चीज़ें। तो पेटा सिल्क का भी विरोध करती है कि सिल्क की बनी हुई, लेदर की बनी हुई चीज़ें ना यूज़ कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जो लिखा हुआ है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने हाल ही में घोषणा की है कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के जितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर जो सामान होगा उसकी बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए। तो लगभग 50 मीटर होता क्या है कि आपको पता है कि जो स्कूल कॉलेज होते हैं, स्कूल और भी जो शिक्षण संस्थान होते हैं, तो लोग मोस्टली क्या करते हैं, अगर उनके पास कुछ ऐसा मिल रहा है, मान लीजिए उन्हीं की अपनी कैंटीन में बर्गर मिल रहा है, सैंडविच मिल रहा है, इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, समोसे वगैरह मिल रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई टेस्टी स्नैक है, हेल्दी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन टेस्टी, तो लोग अपने लंच जो है वो स्किप कर देते हैं, लंच नहीं लाते हैं और वही सारी चीज़ों पर डिपेंड हो जाते हैं, वही सारी चीज़ें खाने लगते हैं, जिससे होता क्या, देखिए कभी कभी की बात अलग है, अगर आप कभी कभी इसको एज अ टेस्ट खा लेते हैं, लेकिन अगर उसको रेगुलर वे में खाने लगते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो ऑयल यूज़ किया जाता है वो भी अच्छा नहीं होता है, दूसरी बात कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ करता है आपका, और भी बहुत सारी चीज़ें, जंक फूड जो है वो तो जंक, जंक का मतलब ही क्या होता है, कबाड़ होता है, उससे आपको क्या होता है, एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिलते नहीं हैं, सिर्फ आपको फालतू की चीज़ें मिलती हैं। तो इस वजह से कहते हैं ना कि कम से कम खाना चाहिए, तो इसी वजह से ऐसा किया गया है कि लगभग स्कूलों और जो भी शिक्षण संस्थान उनके 50 मीटर के दायरे में ऐसे कोई भी अस्वास्थ्यकर और जंक फूड जो है उनके सामान नहीं बिकने चाहिए, ठीक है। चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा ठीक है, ये आज का आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था, जो नेक्स्ट वाले हैं वो फिर आपको जल्दी से मिलेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो यही था, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे जितने भी इसमें वन लाइनर क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखे गए, थोड़ा थोड़ा जो है वीडियो, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं मैम बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो मत रखा करिए, तो हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वीडियो बीच में रुकती है, बहुत सारी चीज़ें, तो इस वजह से जो है आप लोगों के लिए छोटी सी ही वीडियो रखी जाती है ताकि आप लोग आराम से देख पाओ, और फिर जल्दी जल्दी अब तो रेगुलर वे में आपको वीडियोज़ भी मिल रही हैं। तो आपको वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक लोगों ने कहा है कि मैम प्लीज़ क्वालिटी के क्वेश्चन बेस्ड 10 वीडियो बना दीजिए, मैंने उनके कमेंट देखे थे, मैं मोस्टली कमेंट जो है देखती हूँ, ऐसी बात नहीं, लाइक भी करते हैं, तो उन्होंने बोला था कि क्वालिटी के क्वेश्चन से रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड 10 वीडियोज़ बना दीजिए, तो बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, 10 वीडियोज़ जो हैं क्वालिटी के क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।